नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बम्पास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने देवगढ़ डीसी को एक आवेदन में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर रैयती जमीन फर्जी कागजात के आधार पर अपने नाम कराने का लगाया आरोप। बम्पास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने देवगढ़ डीसी को एक आवेदन देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर बड़ा आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। विष्णुकांत ने यह आवेदन देवगढ़ डीसी के अलावा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दी है, जिसमें बताया गया है कि देवीपुर में बन रहे एम्स के समीप की जमीन रातों रात फर्जी कागजात के माध्यम से गोड्डा सांसद ने अपनी पत्नी के नाम पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने नाम कर लिया है, जिसमें एसपीटी एक्ट का भी उल्लंघन किया गया। विष्णुकांत ने उचित कार्रवाई और जांच कराने की मांग की है, जिसके बाद देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, पूरे दस्तावेज को पढ़ने और इसका अवलोकन करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच करने के उपरांत किसी भी तरह की कार्रवाई संभव है, ऐसे में इस प्रक्रिया को देखा जा रहा है। गौरतलब है कि शहर के बम्पास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनके धर्मपत्नी अनामिका गौतम द्वारा रैयती जमीन को फर्जी कागजात के आधार पर एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए 30 एकड़ सर्वे खतियान जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन देवघर उपायुक्त को सौंपा है। नव वर्ष को लेकर बाबा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से हुआ तैयार। नव वर्ष को लेकर बाबा मंदिर देवघर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने आज देवघर एसडीओ दिनेश कुमार यादव और मंदिर प्रबंधक के साथ पूरे मंदिर क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके अलावा एक बैठक कर नव वर्ष के पहले दिन आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया। देवघर डीसी ने कहा कि बाबा मंदिर देवघर में 1 जनवरी को काफ़ी भीड़ रहती है, लिहाजा इसके लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए यहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, जिसके तहत श्रद्धालुओं की एंट्री फुट ओवर ब्रिज से कराई जाएगी। इसके बाद संस्कार मंडप और फिर अर्घा सिस्टम से जलार्पण कराया जाएगा। देवघर डीसी ने कहा है कि साल के पहले दिन किसी भी तरह की सिख दर्शन सुविधा बहाल नहीं की जा रही है, यानी कि 1 जनवरी को VIP सुविधा नहीं होगी। देवघर डीसी ने कहा है कि मंदिर को अहले सुबह 4 बजे खोला जाएगा और शाम के 4 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए डीसी ने कहा कि श्रद्धालु मास्क पहनकर ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बाबा मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने और सामाजिक दूरी का पालन करवाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा CCTV कैमरे से भी इन पर नजर रखी जाएगी। मंदिर में माइकिंग के जरिए बार बार भक्तों को कोविड के प्रति जागरूक किया जाता रहेगा। कोविड को लेकर कई बंदिशें लगाई गई है, लिहाजा लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए। नए साल में बाबा का आशीर्वाद हर कोई लेना चाहता है, लेकिन कोविड नियमों का पालन करके ही दर्शन करना उचित होगा। हालांकि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की संख्या सीमित नहीं की गई है, लेकिन डीसी ने लोगों से आग्रह किया है कि अपने घर में ही रहकर नव वर्ष की खुशियां मनाएं। अब नगरी में बैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए 31, 1 और 2 को बहुत ज़्यादा लोग आने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोगों ने सारे प्रिपरेटरी एक्सरसाइज कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस बल और मैजिस्ट्रेट्स हम लोगों ने डिप्लॉय किया है और सभी दर्शनार्थी अंदर जो आएंगे वो निश्चित रूप से मास्क पहनते आएंगे, और अंदर आने के बाद भी हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि उसको निकालना नहीं है। तो इसके साथ हम लोगों ने तैयारी की है और नया वर्ष के लिए कोई समस्या नहीं आना चाहिए। कितने बजे मंदिर का पट खोला जाएगा सर, क्या समय भी बढ़ाया जाएगा इसमें? देखिए, सरकारी पूजा जो है मतलब 1 घंटा अभी हमने एडवांस कर दिया है, 3:05, ठीक है। तो उसके बाद सरकारी पूजा होने के बाद फिर खुलेगा। VIPियों को कोई सुविधा सर है, जैसे वो टोकन सिस्टम वगैरह चलता था अर्घ? अभी शीघ्र दर्शन का अभी हम लोगों ने वो लागू नहीं किया, और अर्घ्या सिस्टम चलते रहेगा क्योंकि अभी भी कोरोना की स्थिति गई नहीं है, तो हम लोगों को प्रिकॉशंस अभी भी रखना ही है। पाथरौल कालीधाम स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में चल रहे श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का मंगलवार को हुआ समापन।
सिद्धपीठ पाथरोल कालीधाम स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में चल रहे श्री रामचरितमानस नवापरायण मानस पाठ ज्ञान यज्ञ का समापन मंगलवार को हवन पूजन के साथ हुआ। मंगलवार की रात को देवघर के कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। बताते चले कि रविवार से रामायणी और कथावाचक सुधीर महाराज जी का प्रवचन चल रहा था और मंगलवार संध्या आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी का लंगर आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर प्रबंधक दिलीप पाठक, बबलू रवानी, अजय रवानी, माघो मंडल उपो रवानी, गौतम पाठक एवं शैलेश का योगदान सराहनीय रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। संकट मोचन धाम पाथरोल में चल रहे 9 दिवसीय रामचरितमानस पाठ का आज समापन है। आज हवन अभी होगा और हर पूर्णिमा की भांति आज अघन पूर्णिमा के अवसर पर भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, लंगर का कार्यक्रम होगा। लंगर तो ऐसे 9 दिन से चला आ रहा है, जिस दिन से रामचरितमानस पाठ का शुरू हुआ है उस दिन से रोज। मधुपुर नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू के जिला उपाध्यक्ष ने देवघर उपायुक्त को सौंपा जांच के लिए ज्ञापन। नगर परिषद में भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ आजसू के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। नगर परिषद के खिलाफ आजसू जिला उपाध्यक्ष फैयाज अहमद के नेतृत्व में देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। उन्होंने अपने ज्ञापन में नगर परिषद में बड़े पैमाने पर लूट खसूट का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में लूट का खेल चल रहा है, जिस पर रोक लगाया जाए। चाहे वह नगर परिषद का स्टॉल का अलॉटमेंट हो या प्रधानमंत्री आवास, वह सभी योजनाओं में लूट की मार चल रही है। अगर गहराई से जाँच की जाए तो नगर परिषद के भ्रष्टाचार का खेल सामने आ जाएगा। उन्होंने उपायुक्त महोदय को 6 सूत्री मांगों में कहा कि मधुपुर जुडिशियल कोर्ट के सामने सुलभ शौचालय के बगल में बिना समाचार पत्र में विज्ञापन निकाले एक स्टॉल पूंजीपति को कार्यपालक पदाधिकारी ने स्टॉल को अलॉटमेंट कर दिया। वहीं मधुपुर रामचंद्र बाजार में बने मार्केट कॉम्प्लेक्स में सिर्फ दिखावे का लॉटरी कराई गई और लाभुकों से मोटी रकम लेकर रामचंद्र बाजार का स्टॉल अलॉटमेंट किया गया। लॉटरी के नाम पर विभाग द्वारा सिर्फ लीपापोती किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं मधुपुर का दिल कहे जाने वाले गांधी चौक पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एक व्यापारी से मोटी रकम लेकर सड़क पर स्टॉल बनवाकर अतिक्रमण किया गया। इसकी सूचना देने के बाद भी जबरन गांधी चौक के सामने अतिक्रमण कराया गया। इसमें गुप्त सूचना है कि इस व्यापारी से इसके बदले मोटी रकम वसूली गई है। वहीं अनुमंडल के बगल कॉर्मल स्कूल के सामने संसद फंड से निर्माण हुए स्टॉल में भी नगर परिषद के द्वारा मोटी रकम लेकर स्टॉल को बेच दिया गया। मधुपुर पाइपलाइन बिछाने के नाम पर पीसीसी सड़क को तोड़कर शहर की खूबसूरती बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और ठेकेदार से भी इस एवज में मोटी रकम वसूली गई है। इसके अलावा गांधी चौक और अंबेडकर चौक में वाटर वेल्डिंग मशीन लगाया गया, जो वर्षों से बेकार पड़ा हुआ है। मीना बाजार में निर्मित सुलभ शौचालय बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ कई स्थानों पर ऐसे शौचालय निर्माण कराया गया है जो बेकार पड़ा है। इस निर्माण में विभाग द्वारा सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हुए बंदरबांट किया गया। इसको लेकर डीसी के हाथों ज्ञापन सौंपा गया और जांच कराने की मांग की गई। साथ में झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नगर विभाग के सचिव और गोड्डा सांसद को भी कॉपी उपलब्ध कराया गया। पीएम आवास कार्य अधूरा छोड़ने वाले लाभुकों के खिलाफ बीडीओ अनंत कुमार झा ने नीलाम पत्रवाद की कार्यवाही की प्रारंभ। मधुपुर प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेकर एक वर्ष से अधिक समय से निर्माण कार्य अधूरा रखने वाले लाभुकों के खिलाफ बीडीओ अनंत कुमार झा ने नीलाम पत्रवाद की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में बीडीओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य लाभुकों को एक वर्ष के अंदर पूरा करना होता है। जो आवास एक वर्ष के अंदर पूरे नहीं होते हैं वह डिलेड हाउस की श्रेणी में चले जाते हैं। कहा कि प्रखंड क्षेत्र में 10% ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने सरकारी राशि ले ली है और कार्य को पूरा नहीं किया, राशि को संभवतः अन्यत्र व्यय कर दिया है। वैसे लाभुकों को कई बार मौखिक और लिखित रूप से नोटिस करने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करा रहे हैं। वैसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए नीलाम पत्रवाद प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास में दो फेज हैं, 16-17, 17-18, 18-19 प्रथम फेज के अंतर्गत आता है। इसी तरह 19-20 और 20-21
के वर्ष में जो आवास मिले हैं वो द्वितीय फेज में है। जो प्रधानमंत्री आवास है उनको एक वर्ष के अंतर्गत पूरा करना होता है, जो आवास एक वर्ष के अंतर्गत पूरे नहीं होते हैं वो डिलेड हाउस के श्रेणी में चले जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे आवास हैं जो 10% के आसपास हैं, पूर्व जो स्वीकृति मिली हुई है उसके 10% के आसपास, जिन्होंने सरकारी राशि ले ली है उनको प्रथम और द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है, किंतु लाभुक ने शायद उस राशि का कहीं अन्यत्र व्यय कर दिया है और कई बार मौखिक रूप से विभिन्न स्रोतों से और अब तो कई दफ़े लिखित नोटिस करने के बावजूद भी वो सरकारी आवास के निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए हम लोग उन पर नीलाम पत्रवाद प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी भी सूचना उन्हें कई बार दी जा चुकी है और प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते अंचल अधिकारी को हम लोग अंचल ये नामांतरण नीलाम पत्रवाद प्रारंभ करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि उनके विरुद्ध नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाने का छात्र मोर्चा ने महाविद्यालय प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मधुपुर महाविद्यालय द्वारा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 का फॉर्म भरने की तिथि 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तय की गई थी। कोरोना वायरस महामारी को लेकर छात्र छात्राओं ने अपना आवेदन समय पर नहीं भर पाने के कारण महाविद्यालय प्रशासन फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाने का कष्ट करे। कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए छात्र छात्राओं ने कॉलेज में भीड़ भाड़ नहीं लगाने के कारण फॉर्म नहीं भर पाए, इसलिए महाविद्यालय प्रशासन से अपील करते हैं कि छात्र छात्राओं का परेशानी देखते हुए ऑनलाइन फॉर्म सेमेस्टर 3 और 5 का बढ़ाई जाए। इसको लेकर छात्र मोर्चा संगठन ने महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर मांग की है। मौके पर उमर बंटी, सुनील मंडल, रिजवान मुशर्रफ, नाजी, राजू यादव, सुरभि कुमारी, विनोद हेमब्रम इत्यादि छात्रों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।